कान्हा की नगरी में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। आपको बता दें कि मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में 735 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे मथुरा जनपद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसमें कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का 100% पालन कराने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। आज रात को जिलाधिकारी नवनीत चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को परखा और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि पूरे जनपद में 700 से अधिक एक्टिव केस हैं, इस वजह से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसका पूरे जनपद में पालन कराया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि मथुरा जनपद में देश के हर प्रदेश और सभी जगहों से ट्रेन आती है, जिसमें कि हर प्रदेश से यात्री आ रहे हैं, उन सभी के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है और सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। किसी तरह से भी जनपद में संक्रमण फैलने ना पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और हर आने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। आज 11 तारीख से जनपद मथुरा में बढ़ते हुए कोविड केसेस के दृष्टिगत नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाई गई है। रात 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक प्रत्येक दिन अग्रिम आदेशों तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जो हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, मालवाहक वाहन चलते रहेंगे। उसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से कोई सड़क पर ना निकले और आवागमन या और कोई गतिविधियों में ना रहे, इस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है। इसका मुख्य रूप से कारण ये था कि आज जैसे जनपद में लगभग 700 प्लस एक्टिव केसेस हैं और 100 प्लस केसेस आज आए हैं या एक दो दिन से आ रहे हैं, तो इसके दृष्टिगत लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा ये रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर भी विभिन्न ट्रेन्स जो हैं ऐसे स्टेट से आ रही हैं जहाँ पर कोविड का प्रभाव ज़्यादा है, उन ट्रेन्स के लिए स्पेसिफिकली ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ से आने वाले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की जाए, सैनिटाइजेशन इंश्योर की जाए और सैम्पलिंग जो है वहाँ के जो यात्री वहाँ से आते हैं सिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं उनकी सैम्पलिंग भी करते रहें। यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर भी लगाया गया है, जिसमें मास्क का भी ये इंश्योर कराया जा रहा है कि 100% मास्क पहन रहा हो। यदि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो वो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है और यदि कोई किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यदि कोई बुखार से ग्रसित है तो वो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आकर सैम्पलिंग करें और थर्मल स्कैनिंग इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के साथ करें, लगातार ये निर्देश हमारे कप्तान साहब के द्वारा दिए गए। और मास्क का जो 100% अनुपालन है, मास्क पहनकर ही रहना है बाहर जब भी आएँ, तो उस चीज़ को आज निगरानी की गई, वो इंश्योर कराया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।